नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलो में। आज हम बात करेंगे गार्ड सेल्स और एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो उसको हम जानेंगे और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक रीहो का लीफ। रीहो जो लीफ है, रीहो प्लांट जो होता है इस तरह का होता है। तो रीहो प्लांट हमने यहाँ पर बनाया है, ये रीहो प्लांट है और ये जो लीफ हैं, ये जो पत्ते हैं, ये रीहो के लीफ हैं, यानी कि रीहो प्लांट के पत्ते हैं। तो ये रीहो के लीफ हैं। आप देखिए, ये जो लीफ होते हैं, लंबे लंबे लीफ होते हैं इस तरह से, और इनके अंदर कुछ ग्रीन और जो है एक पिंकिश टाइप का कलर भी होता है। तो उस तरह के ये पत्ते होते हैं, लंबे लंबे इस तरह के ये प्लांट के पत्ते होते हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से जो फ्रेशली हमें एक लीफ लेना है, जो हरा लीफ है वो हमें लेना है, और एक लीफ को हमें तोड़ लेना है। मान लीजिए आप इस तरह का एक लीफ जो है तोड़ लेते हैं, तो इसको आपको तोड़ने के बाद आपको इसको ब्रेक करना है, इसको स्ट्रेच करके यानी कि खींच कर इसको ब्रेक करना है। जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे, मान लीजिए आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, खींच कर आपको स्ट्रेच करके करना है, ताकि क्या हो, इसके बीच की थोड़ी सी पील यानी कि जो स्किन है बीच की, वो बाहर निकल आए। और अब उस स्किन को हम या फिर पील को हम जो है अलग कर लेंगे। जो ये पील निकली है, मान लीजिए आपने इसको स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने से जहाँ से ब्रेक हुआ वहाँ पे थोड़ी सी स्किन बाहर आ गई अंदर से, और ये जो पील है इसको अलग कर लेंगे, इसको हम पील बोलते हैं। तो इस पील को अलग कर लेंगे और इस पील को हम जो है एक डिश के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक पैट्री डिश है। ये क्या है, ये पैट्री डिश है। पैट्री डिश क्या होती है, एक जो है ट्रांसपेरेंट डिश है, यानी कि उसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे एक प्लास्टिक का ढक्कन होता है जिसके आर पार हम देख सकें, इस तरह की एक पैट्री डिश होती है। इसके अंदर जो है ये जो पील है इसको आप इसके अंदर रख देंगे। तो मान लीजिए इस तरह की आपने पील जो है इसके अंदर रख दी है, क्या है, पील है, और इसको जो है ये पहले से ही जो है इसके अंदर वाटर है, तो इसके अंदर वाटर है और वाटर के अंदर आपने रख दी ये जो पील आपने निकाली, ये जो पील है ये आपने निकाली किसकी, रीहो लीफ की, स्ट्रेच करके जो थोड़ा बीच की स्किन आपने यहाँ पे रख दी और ये वाटर के साथ फिल था। अब आप क्या करेंगे, सेफ्रनिन की कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर जो है मिला देंगे। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए आप ऐड करते हैं सेफ्रनिन को। सेफ्रनिन का हम यूज़ क्यों करते हैं, सेफ्रनिन का यूज़ करते हैं ताकि जो है इसके अंदर जो है एक स्टेन पड़ सके, जिसको हम धब्बा बोलते हैं कि अलग अलग कलर का जो धब्बा होता है इस तरह का इसके अंदर आ सके, और हम इसको क्लोजली जो है अलग अलग रंगों के अंदर इसको देख सकें, यानी कि अलग रंग के अंदर हम इसको देख सकें। तो उसके बाद जो है कुछ मिनटों के लिए आपको इसके अंदर रखना है इसको, और इसको फिर जो है माइक्रोस्कोप के अंदर, जो इसी पील को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाना है, और इसको जो कवर स्लिप के अंदर जेंटली जो है कवर स्लिप इसको देनी है, यानी कि दोनों तरफ से कवर करके जो है एक जो कांच की स्लाइड्स होती हैं कवर स्लिप करके फिर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको रखना है और इसको ऑब्जर्व करना है इसी चीज़ को। फिर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वो हम देखते हैं आपको क्या मिलेगा, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा इसके अंदर, आपको मिलेगा एपिडर्मिस। जो आउटर लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होती है, जो ये हमने पहले भी पढ़ी है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेल्स की, और ये सिंगल लेयर होती है मोस्टली, अगर हम बात करें तो ये सिंगल लेयर होती है। और अगर हम बात करें कि ड्राई हैबिटेट की बात करें, तो ड्राई हैबिटेट के अंदर क्या होता है, ड्राई हैबिटेट यानी कि जो सूखी जगह पे, जहाँ पे सूखा वातावरण है वहाँ पे अगर कोई प्लांट हो, तो ये जो एपिडर्मिस होती है ये काफ़ी थिक होती है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर आप इसको बोल सकते हैं, ज़्यादातर सिंगल लेयर के रूप में होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी प्लांट की। तो ये थिकर होती है ड्राई हैबिटेट के अंदर, यानी कि जहाँ पे सूखा होता है। अब ये थिकर क्यों होती है, घनी क्यों होती है, ताकि जो है वाटर लॉस को बचाया जा सके। जितनी थिक होगी ये एपिडर्मिस लेयर, बाहर की लेयर, उतना जो वाटर है कम लॉस होगा प्लांट से, और उतना ज़्यादा वो जीवित रहेगा। तो इसलिए ड्राई हैबिटेट के अंदर एपिडर्मिस की जो लेयर है वो थिक होती है, और जो एरियल पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो हवा के कॉन्टैक्ट में अगर हम बात करें, जो एरियल पार्ट्स होते हैं, तो ये जो होते हैं किसी प्लांट के, तो यहाँ पे वैक्सी वाटर
रेजिस्टेंस लेयर ये बनाते हैं, जो ये एपिडर्मिस लेयर होती है या एरियल जो पार्ट होते हैं प्लांट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे क्या है, इस तरह की लेयर बनती है, इस तरह की जो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है। तो एपिडर्मिल जो सेल होते हैं एरियल पार्ट्स पे, जो प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं उनके ऊपर, यानी कि जो कम्प्लीटली एक्सपोज्ड होते हैं एयर के साथ, तो उनके ऊपर वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर बनती है। और ये जो लेयर है किस चीज़ में हेल्प करती है, ये लेयर हमारी प्रोटेक्शन करती है लॉस ऑफ वाटर से, जैसे कि हमने देखा कि वाटर लॉस होने से बचाती है। दूसरा, जो उसको मैकेनिकल जो इंजुरी है प्लांट को, यानी कि इसको कोई चोट ना आए उससे बचाती है, या फिर कोई जो इंसेक्ट है फंगी वगैरह है उस पर अटैक ना करे, तो इन सब चीज़ों से ये बचाती है। तो एपिडर्मल लेयर का काफ़ी अच्छा रोल होता है। और इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते, यानी कि कंटिन्यूस एक लेयर होती है, क्योंकि अगर इसके अंदर क्रैक्स होंगे, स्पेसिस होंगे, तो ये इस तरह के जो लॉस होंगे वो होंगे, और जो फंगी अटैक है वो भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है एपिडर्मिस जो है या एपिडर्मल जो सेल हैं उनको आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमें कुछ स्मॉल पोर भी दिखाई देते हैं लीफ के अंदर। जब हम इस पील को, जो हमने यहाँ पे देखा, इस पील को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, तो उस पत्ते के अंदर हमें कुछ पोर भी दिखाई देते हैं लीफ के अंदर, जिसका फंक्शन क्या होता है पत्तों के अंदर, ट्रांसपीरेशन करना। ट्रांसपीरेशन करना यानी कि जो हमारा लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको ट्रांसपीरेशन हम बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, जो कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। देखिए ये जो है यहाँ पे, ये स्टोमाटा है, और यहाँ पे ये जो हल्का सा पोर दिखाई दे रहा है ये स्टोमाटा है। तो हर एक ये जो है स्टोमाटा है, और ये जो स्टोमाटा होता है ये गार्डेड सेल से, दो कवरिंग होती हैं, एक किडनी शेप की जो कवरिंग, जो दो इसको सेल कवरिंग देती हैं, उनको गार्ड सेल बोलते हैं। तो पहला तो है स्टोमाटा, जिसमें स्मॉल पोर होते हैं और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करता है। गार्ड सेल क्या होती हैं, किडनी शेप सेल होती हैं, और ये किसके लिए नेसेसरी होती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करना हो एटमॉस्फेयर के साथ उसके लिए, तो गार्ड सेल जो है ये काम करती हैं। तो इस तरह से स्टोमाटा और गार्ड सेल को आप समझ सकते हैं, जो कि इस फिगर में है। ये स्टोमाटा है और इसके दोनों तरफ किडनी शेप की गार्ड सेल है। यहाँ पे एपिडर्मल सेल दिखाया गया है, जो कि हमने बात की। और इसी तरह इस फिगर के अंदर जो है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये गार्ड सेल है। तो अलग अलग ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन में फिगर बनाई गई है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें आगे कुछ जो टर्म है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए कोई भी प्लांट है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया क्या है कि जो उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता है। अब देखिए प्लांट के अंदर रूट होती हैं, जड़ें होती हैं। अब जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट्स की, जिनका फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, कि पानी को एब्जॉर्ब करना जो सोयल से, मिट्टी से, और फिर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना प्लांट के। तो कॉमनली ये लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लंबे लंबे आपने रूट देखी होंगी, इस तरह की लंबी लंबी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ज़्यादातर। क्यों? ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और प्लांट को जो निश्चित मात्रा में, या कहें कि इनफ वाटर जो है प्रोवाइड कर सके। तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया रूट का ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, यानी कि रेतीली जगह में जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है उनकी भी थिक वैक्सी कोटिंग होती है। अब जो थिक वैक्सी कोटिंग होती है वो जो है क्यूटिन की होती है। अब जो ये क्यूटिन होता है, ये भी जो है एक केमिकल है, और ये जो क्यूटिन है ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफिंग क्वालिटी के साथ होता है। तो आउटर सरफेस पे ये जो है थिक वैक्सिंग कोटिंग होती है किसकी, क्यूटिन की। तो क्यूटिन की ये इसकी आउटर लेयर होती है डिजर्ट प्लांट्स की, ताकि वाटर लॉस से बचाया जा सके। सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। इसी तरह से अगर हम बात करें दो ट्री के बीच में, यानी कि आउटर लेयर जो ब्रांच की होती है वो अगर हम देखें डिफरेंट होती है, अगर यंग स्टेम की देखें, यानी कि एक ओल्ड ट्री है, यानी कि काफ़ी बड़ा ट्री है, और एक नया ट्री है जो बड़ा हो रहा है, तो दोनों की स्टेम के अंदर जो है, आउटर लेयर के अंदर जो है फ़र्क होता है। वो क्या होता है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे जो ट्री है वो बड़ा होता चला जाता है, तो जो उसकी आउटर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो आउटर के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो पुराना यानी कि जो ग्रो कर चुका है पेड़,
तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक जो यंग वन है या फिर एक जो है जो दूसरा पेड़ है, तो उन दोनों में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये चेंजेस क्या करते हैं, ये चेंजेस करते हैं कि जो स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, मेरिस्टेम क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं, ये वो रीजन होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का, यानी कि इसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं सेल डिवीजन के, ये सेल डिवीजन ये कर सकती हैं, और इनके पास पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स को बनाती हैं या बन सकती हैं। तो इस तरह की मेरिस्टेम के ये फंक्शन होते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे जो पेड़ बड़ा होता है, आपने छाल देखी होगी किसी पेड़ की, कोर्क जिसको हम बोलते हैं, बाहर छाल होती है सूखी हुई, तो जैसे जैसे बड़ा पेड़ होता है तो उसकी जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, बाहर वाली सेल्स होती हैं। मान लीजिए इस तरह से ये जो पेड़ है इसके बाहर जो है आपको एक कवरिंग मिलेगी जिसको हम कोर्क बोलते हैं, यानी कि इसकी छाल, तो ये जो है काफ़ी सूखी हो जाती है ये जो छाल होती है। तो इस तरह से सेवरल लेयर बनती हैं इस कोर्क की, जिसको हम जो है कोर्क या फिर बार्क ऑफ द ट्री भी हम बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, जैसे जैसे जो पेड़ जो है बड़ा होता रहता है, ये जो है एक हमारे पास सुबेरिन होता है जो कि केमिकल होता है, जो कि कोर्क को ये क्षमता प्रोवाइड करता है ताकि वो गैसियस और वाटर से अपना बचाव कर सके या गैसियस और वाटर प्रूफ हो सके। तो सुबेरिन नामक एक केमिकल भी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी कोर्क होती है, जो बार्क होती है ट्री की, वो क्यों बनती है और यंग वन और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। और इसके बीच में जो है आप इस तरह की इसकी एक फिगर देख सकते हैं, जैसे कि ये फिगर हमने बनाई है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमने ये कोर्क सेल्स बनाई हैं कि सेल्स जो हैं इंटरसेलुलर स्पेस उनमें नहीं होता, और जो ये है इसको हम बोलते हैं कोर्क सेल्स बोलते हैं, ये कोर्क सेल्स होती हैं। कहीं कहीं से फ्रैक्चर भी आपको ये मिल जाती हैं। तो प्रोटेक्टिव एक तरह का टिश्यू होता है ये पूरा, जो कि पेड़ को बचाता है। तो इस तरह से यंग वन और जो हमारे परिपक्व पेड़ होते हैं उनमें बाहर की सेल जो होती हैं वो मोटी होती हैं और कोर्क सेल होती हैं इस तरह की। तो ये थी हमारी गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल, और उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी। थैंक यू।